आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसे हम जो रदरफोर्ड का नाम की परमाणु मॉडल भी कहते हैं। ठीक, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या किया, ये आपको ये वाली संरचना दिखाई दे रही होगी, ये वाली है ना, ये वाली संरचना, ये जो है एक तरीके का ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब एक बंद व्यवस्था जैसे है ना, ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, एक बंद व्यवस्था। और इसमें जो है ये किसका बना हुआ है, तो शीशे का, लेड का बना हुआ है, लेड ब्लॉक बोला गया, मतलब ये किसका बना हुआ है, शीशा का, पीवी प्लम्बम जिसको बोलते हैं। और उसमें जो है अंदर रेडियो एक्टिव तत्व डाल दिया गया, मान लेते हैं हम रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम, क्या है, यूरेनियम, ठीक ना। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, इनसे जो है लगातार किरणें निकलती रहती हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों की क्वालिटी क्या होती है, इनसे लगातार किरणें निकलती रहती हैं। अब किरण जो है इसको आप मतलब नॉर्मली कहीं रख देंगे तब भी उससे किरण निकलेगा, तो इससे जो किरण निकलेगा तो रेडियो एक्टिव तत्व जो हमारा आपका शक्ल देख के बोलेगा कि बाएं तरफ किरण जाएगा, दाहिनी तरफ नहीं जाएगा, जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इस रेडियो एक्टिव तत्व से जो है ना इधर उधर हर तरफ किरण निकल रही थी, लेकिन जो है लेड क्या करता था कि जो इधर आप देख रहे हैं ये वाला इतना भाग खुला हुआ है ना, तो जो खुला हुआ वाला भाग है उसको छोड़ करके बाकी इधर उधर जिधर भी किरण निकलेगी टकरा के फिर वो नहीं, जितना किरण निकलेगा सबको क्या करेगा, सोख लेगा। तो मतलब अगल बगल एक भी किरण दिखाई देगा, टकराने वाला नहीं दिखाई देगा। तो ये लेड ब्लॉक का काम क्या होता है कि अतिरिक्त जो किरणें छिद्र की तरफ नहीं निकलते उनको क्या करना, अवशोषित, मतलब जो किरण इधर जाएगी, ध्यान दीजिएगा ये वाली लाइन देख रहे हैं आप लोग ना, जो किरण इधर जाएगी उसको छोड़ करके अगल बगल यहां पे निकले या यहां पे निकले, यहां पे निकले, कहीं भी निकलेगी उसको क्या करेगा, ये सोख लेगा। ये क्या करता है लेड ब्लॉक, क्या करता है किरणों को अवशोषित करता है, बस सुने, लेड ब्लॉक का काम क्या होता है, समझ आ गई बात। इसके बाद जो है यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो है एक छिद्रयुक्त लेड की प्लेट है, मतलब एक शीशे का टुकड़ा है जिसमें क्या है, छेद है, और ये किरण जो है इस छेद में से गुजरती है, कितना समझ आया, कोई दिक्कत, इस छेद में से जब गुजरती है तो ये आपको जो दिखाई दे रही संरचना ये वाली है ना, ये वाली देख रहे संरचना, ये जो आपको आयताकार पाइप जैसी दिखाई दे रही है ये सोने की पन्नी है। सोने की पन्नी का मतलब सोने को जो है इतना ज्यादा प्रेसराइज किया गया, इतना ज्यादा पीट पाट दिया गया कि वो एकदम से पन्नी के जैसा क्या हो गया, बारीक हो गया, महीन हो गया। अब उस पर जो है प्रकाश की किरण को डाला गया, ये अल्फा कण, प्रकाश की किरण अल्फा कण, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व से कौन सी किरण निकल रही है, तो अल्फा कण है ना, तो अल्फा किरण जो निकल रही है ये क्या करेगी, इस छेद से होते हुए सोने की पन्नी पर जाकर टकराती है, और टकराने के बाद इधर उधर ये जाती हुई प्रतीत होती है, और कुछ किरणें जो है पीछे निकल जाती है, मतलब पन्नी के पीछे वाले भाग में भी निकल जाती हैं। तो जो किरणें पीछे वाले भाग में निकल जाती हैं उन्हें आसानी से पहचाना जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो किरणें यहाँ से टकरा के इधर उधर हो रही ना, जब ये टकराने के बाद इधर उधर फैलती हैं तो ये चमक उत्पन्न करती हैं, क्या करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। यही किसका मॉडल था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बात समझ आई, कोई दिक्कत, अब इसको डायग्राम के थ्रू जो है क्लियर कर दिया जाए, ठीक, लिखिएगा एक बार, लिखिएगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अनुसार इन्होंने अपने प्रयोग में
इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों दो चीज का स्थिति जानने का प्रयास किया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब ये कैसे रहते हैं, कहां पे रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की स्थिति को, इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की स्थिति को जानने के लिए यह प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने चित्र के अनुसार एक लेड ब्लॉक, ये देख रहे हैं, ये जो आपका ये वाला डिजाइन है, ये लेड ब्लॉक है जो चारों तरफ आपको आयताकार दिखाई दे रहा है, ये लेड ब्लॉक है जिसमें इन्होंने क्या लिखे चित्र के अनुसार, जिसमें इन्होंने चित्र चित्र के अनुसार एक लेड ब्लॉक रखा तथा उसमें चित्र के अनुसार लेड ब्लॉक रखा तथा उसमें रेडियो एक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम को रख दिया, यूरेनियम से निकलने वाले रेडियो एक्टिव तत्व, अरे ये रेडियो एक्टिव किरण है ना, रेडियो एक्टिव किरण सामने वाले खुले भाग को छोड़कर, जिधर से ये वाली किरण आ रही है, ये वाली है ना, सामने वाले खुले भाग को छोड़कर अन्य किरणें, अन्य किरणें अवशोषित कर ली जाती हैं, अन्य किरणें असल कीजिएगा ब्लॉक के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, अन्य किरणें ब्लॉक के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, हो गया, अर्थात अवशोषित कर ली जाती हैं, अर्थात जो किरण ब्लॉक के खुले वाले भाग के सामने पड़ती है, खुले वाले भाग पर पड़ती, लिखिएगा, जो किरण खुले ब्लॉक के खुले वाले भाग पर पड़ती है वह सीधी निकलती है, शेष अन्य किरणें जो अगल बगल निकल रही थी वो अवशोषित कर ली जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहने का मतलब है जो ये इस तरफ आएगी वो तो निकल जाएगी, बाकी जो इधर जा रही, जो इधर जा रही है, इधर जा रही, इधर जा रही है, ठीक, मतलब खुले वाले भाग की तरफ ना जाकर के और कहीं भी जाएगी इसमें, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये अवशोषित कर ली जाएगी या सोख ली जाएगी, ठीक कर ली जाती है, जो किरणें अगल बगल जाती हैं वो अवशोषित कर ली जाती हैं या सोख ली जाती है,
ठीक। फिर जो है अब हम क्या दिखाएंगे कि जो किरण जो लेड ब्लॉक से बाहर आती है वो किसको पार करके जाती है, तो छिद्रयुक्त जो लेड की प्लेट होती है उसमें से गुजर करके जो कहां पे पहुंचते हैं, सोने की पन्नी पर। और सोने की पन्नी पर पहुंचने के बाद इसमें हम देखेंगे कि कुछ किरण जो है टकराने के बाद इधर उधर मुड़ जाती है और कुछ किरण जो है सीधे निकल जाती है जो कि चमक भी उत्पन्न करती है। ये किरणें भी चमक उत्पन्न करेगी, ये भी उत्पन्न करेगी, ध्यान दीजिएगा, है ना, बस समझे। तो इससे स्पष्ट हो गया कि कुछ किरणें जो है आर पार निकल जाती हैं और कुछ किरणें वहीं टकरा करके अगल बगल रह जाती है, ठीक ना। क्या लिखे आप लोग, अशोषित कर ली जाती है, अशोषित कर ली जाती है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा, ब्लॉक से निकलने वाली वे किरणें जो अवशोषित नहीं हो पाती हैं, निकलने वाली वे किरणें जो अवशोषित नहीं हो पाती हैं वे बीच में रखी हुई छिद्रयुक्त प्लेट, बीच में रखी हुई लोहे की छिद्रयुक्त प्लेट, लेड की है ना, लोहे मत लिखिएगा, लेड है यार, सी हाँ ठीक है ना, बीच में रखी हुई लेड की छिद्रयुक्त प्लेट से होती हुई, ध्यान दीजिएगा ये जस्ते का बना होता है, जेडेन का, किसका, जिंक, जिंक का है ना, ये जो बाहरी संरचना है ये किसकी बनी होती है, जिंक है ना। क्या लिखे आप लोग, छिद्रयुक्त प्लेट से होती हुई, छिद्रयुक्त प्लेट से होती हुई सोने की पन्नी सोने की पन्नी पर जाकर पड़ती है और ऐसे में कुछ किरणें पन्नी को पार करके सीधी भी निकल जाती हैं ये देख रहे हैं ना, ये वाली पन्नी को पार कर गई है ना, और ये जाके क्या उत्पन्न करेगी, यहाँ पे चमक उत्पन्न करेगी, यहाँ पे चमक उत्पन्न कर दी, बस नहीं, ये वाली पार निकल गई है, कुछ किरणें क्या लिखे, पन्नी को पार करके सीधी भी निकल जाती है तथा कुछ किरणें पन्नी से टकरा कर आर पार नहीं निकल पाती हैं, आर पार नहीं निकल पाती हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड के इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि सभी किरणें ना तो आर पार निकलती हैं, प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि सभी किरणें ना तो आर पार निकलती हैं
और ना ही सभी किरणें टकराकर वापस लौटती है। ठीक, तो इसमें जो कुछ किरण आर पार निकल रहा है, कुछ टकरा के वापस लौट रही इधर उधर, ठीक है ना। आज यही छोड़ दीजिए, सभी किरणें टकराकर निकलती हैं, ना ही सभी किरणें आर पार निकलती हैं और ना ही सभी किरणें टकराकर वापस लौटती हैं, यही छोड़ दीजिए।